एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जिनसे कटिंग नहीं लगती है, या तो उनकी कटिंग ज़्यादा नमी की वजह से गल जाती है या फिर उनकी कटिंग सूख जाती है, तो इस तरीके से उनकी कटिंग सक्सेस नहीं हो पाती। बरसात में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बरसात का पानी और नमी पा करके जिनमें इस तरीके से देखिए हवा में लटकती हुई रूट्स आती हैं। तो आपको क्या करना है, आप चाहे तो इन रूट्स को इस तरीके से सॉइल में दबा दें या फिर इनको यहाँ से कट करके लगा सकते हैं आप सॉइल में, और इस तरीके से आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। क्योंकि खुद ब खुद इसमें देखिए पहले से ही रूट आई होती हैं बारिश की वजह से और नमी मिलने की वजह से। तो इस तरीके से आपका 100% एक प्लांट तैयार हो जाता है, तो आपको कटिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट प्लांट है हमारा, देखिए स्वीट पोटैटो वाइन। देख सकते हैं ये प्लांट कितनी ज़्यादा ग्रीनरी ऐड करता है और कितना खूबसूरत लगता है। इसकी काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं, जितनी भी इसकी वैरायटी आती है सभी वैरायटी में मानसून में इस टाइम देखिए इस तरीके से एरियल रूट्स निकलती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ से भी ये इसकी रूट्स निकल रही है उसके लीफ नोड के नीचे से आप नीचे से कट कर दें और आप इस तरीके से एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो जहाँ इसमें रूट्स निकली हुई है इस तरीके से इसको सॉइल से दबा दें और यहाँ से नीचे से कट कर दें, और कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इस प्लांट में ग्रोथ हो रही है क्योंकि इसमें पहले से ही रूट निकली हुई है। तो इस तरीके से आपका एक प्लांट तैयार हो जाए। उसके बाद सेकंड प्लांट है, देखिए हमारा मॉर्निंग ग्लोरी। देख सकते हैं आप इसकी लीव्स भी कितनी खूबसूरत लगती हैं और जो इसमें फ्लावर्स आते हैं वो भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इस टाइम बरसात में इसमें भी एरियल रूट्स आती हैं, देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे एरियल रूट्स आई हुई हैं और देख सकते हैं ये अपने आप सॉइल में जाने लगी थी, यानी कि जहाँ पर इसको सॉइल मिली तो इसकी रूट्स फैलने लगी थी। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा रूट्स आई हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से चाहें तो कट करके एक नया प्लांट बना सकते हैं। यहाँ से आपको नीचे से कट कर देना है और उसके बाद इसको सॉइल में लगा देना है। तो देखिए इस तरीके से आपका एक प्लांट तैयार हो जाएगा। तो जो हमारा मॉर्निंग ग्लोरी है उसमें ब्लूमिंग बहुत अच्छी होती है, तो इसको भी इस तरीके से प्लांट बनाना बहुत आसान है। थर्ड प्लांट है मैक्सिकन पिटोनिया, जिसमें हवा में लटकती है रूट्स आती हैं जब बारिशें बहुत ज़्यादा होने लगती है और नमी मिल जाती है इन प्लांट्स को। और देख सकते हैं उससे पहले कि इसमें ब्लूमिंग कितनी ज़्यादा होती है, देख रहे हैं आप ये इसमें ब्लूमिंग कितनी ज़्यादा होती है। और इसके तीन कलर आते हैं, ये इसका पर्पल है, पिंक देखिए कुछ इस तरीके से नीचे है, एंड इसका वाइट कलर भी आता है। देखिए यहाँ पर इसका वाइट कलर है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मैक्सिकन पिटोनिया में भी किस तरीके से रूट्स आती हैं हवा में। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा रूट्स आ रही हैं यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे प्लांट्स में ही रूट आई हुई हैं। तो जस्ट आपको क्या करना है, लीफ नोड के नीचे से जहाँ पे रूट्स आई हुई हैं वहाँ से कट कर दे, देखिए कुछ इस तरीके से जहाँ से इसमें रूट्स आई हुई हैं देखिए यहाँ से आप कट कर सकते हैं, और कट करने के बाद आप इसको लगा दें तो इस तरीके से आपका एक प्लांट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें कितनी ज़्यादा रूट्स बनी हुई हैं, और आप चाहें तो इसको दो तीन दिन पानी में डाल दें किसी चीज़ में रख के, तो आप देखेंगे इसमें काफ़ी ज़्यादा रूट्स बन जाती हैं दो तीन दिन में, क्योंकि इसमें पहले से ही रूट्स आई हुई हैं। और फिर उसके बाद आप चाहें तो इसको सॉइल में ट्रांसप्लांट कर दें, तो इस तरीके से आपका एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। और काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं अगर आपके पास इसका प्लांट है, या आपको इसी कहीं से इस तरीके से कटिंग मिल जाती है। आपको बस चेक करना है कि इसमें जहाँ से रूट्स आ रही हैं वहाँ से इसकी कटिंग लेके आनी। उसके बाद फोर्थ प्लांट है अल्टरनेंथ्रा। ये प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं उसका कलर चेंज होता रहता है जैसे आप इसको सनलाइट देंगे। अगर आप इसको ज़्यादा सनलाइट देंगे तो रेड कलर की हो जाती हैं इसकी लीव्स, और कम सनलाइट देंगे तो इसकी जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की हो जाती हैं और साइज़ में भी थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। तो बारिश के टाइम में इसमें भी देखिए इस तरीके से एरियल रूट्स आती हैं। वैसे इस प्लांट को मैंने अंदर रख रखा था तो इसमें इतनी ज़्यादा आपको रूट्स नज़र नहीं आ रही होंगी हवा में लटकती हुई। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ दिन पहले कटिंग लगाई थी इस वाले पॉली बैग में इसी से लेके, तो देखिए इसमें कितनी ज़्यादा एरियल रूट्स आई हुई हैं। तो इस तरीके से इसमें भी हवा में लटकती हुई रूट्स आई हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ से भी रूट्स आई हैं देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ से कट करना है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा रूट्स बनी हुई हैं। जस्ट आपको इसको सॉइल में इस तरीके से दबा देना है और उसका एक प्लांट तैयार हो जाएगा आपके पास। उसके बाद फिफ्थ प्लांट है पत्थर चट्टा, जो कि एक हर्बल प्लांट है और जिसको किडनी स्टोन में खाया भी जाता है। और देख सकते हैं आप ये कितनी ज़्यादा ग्रीनरी ऐड करता है। इसके काफ़ी सारे प्लांट हैं मेरे पास, और इसमें भी बरसात के टाइम में देखिए कुछ इस तरीके से हवा में लटकती हुई रूट्स आती हैं। जहाँ पर इसके स्टैम में बारिश का पानी पड़ता है और नमी पाती है इसके स्टैम, तो आपको लीफ नोड के नीचे से कट करना है और लगा देना है। तो इस तरीके से आपका एक प्लांट तैयार हो जाएगा बिना मेहनत के, और आपका 100% रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं कि मेरी सभी जो ये पत्थर चट्टा के प्लांट है सभी में इस तरीके से देखिए एरियल रूट्स आई हुई हैं स्टैम में। और इन प्लांट को मैंने ऐसी जगह रख रखा था जहाँ पर इन पर बारिश का पानी बहुत कम पड़ पा रहा था। अगर आप इनको ऐसी जगह रख रखा होगा जहाँ पे इन पर बारिश का पानी अच्छे से पड़ रहा होगा और नमी मिल रही होगी इनको, तो इनमें बहुत अच्छे से एरियल रूट्स आती हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आपको इनको जस्ट कट करना है और लगा देना है।
और सिक्स प्लांट है हमारा, देखिए मॉसरोच, और देख सकते हैं आप इसमें कितनी ज़्यादा ब्लूमिंग हो रही है, और आप इसकी काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं इजली कटिंग से। और इसमें भी इस टाइम देखिए, इस टाइम में रूट्स आती हैं बारिश के पानी से और नमी से, तो आपको इसकी कटिंग भी नहीं लगानी, जस्ट कट करके इस तरीके से लगा देना है सॉइल में। आप चाहें तो इसको वाटर में लगा दें तो उनमें भी अच्छे से ब्लूमिंग होती रहती है, जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि मैंने कुछ कटिंग लगा करके पानी में रख रखी है, तब भी उनमें ब्लूमिंग हो रही है। तो देख सकते हैं आप इसमें कितनी ज़्यादा इसमें भी रूट्स आई हुई हैं इस टाइम पर हर जगह, और यहाँ सॉइल नहीं है, जस्ट पानी पड़ा है इस पे बारिश का और नमी इसको मिली है। और देखिए इस तरीके से इसकी स्टेम में भी रूट्स आ जाते हैं, तो इस तरीके से आप इनको कट करके फ्री में प्लांट्स बना सकते हैं बिना किसी मेहनत के। उसके बाद सेवन्थ प्लांट मनी प्लांट है, इस टाइम इसमें भी बहुत ज़्यादा एरियल रूट्स आती हैं, और इसको हल्का सा भी पानी अगर मिलता है बारिश का तो बहुत ज़्यादा रूट्स आ जाती हैं। और इस तरीके से देखिए, देख सकते हैं मैंने इसको वहाँ रख रखा है जहाँ पर इस पर कभी एक दो बूंद, मतलब बारिश की बहुत कम बूंद पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश में इसका प्लांट ख़राब हो जाता है, तो ऐसी जगह रख रखा है जहाँ इस पर बहुत कम बारिश पड़ती है। और देखिए फिर भी इसमें कितनी ज़्यादा एरियल रूट्स आई हुई हैं, तो जस्ट आपको इनकी लीफ नोड के नीचे से कट करना है, और इस तरीके से आपके पास एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मनी प्लांट के भी काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से ये कुछ पौधे थे, इनके सिवा भी और भी बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें एरियल रूट्स आती हैं इस टाइम बारिश के टाइम में, तो जस्ट आपको चेक करना है और उनको कट करके लगा देना है। तो इस तरीके से आपको 100% एक नया प्लांट मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हार्ड वर्क करते रहिएगा टू अचीव योर गोल। बाय।